बच्चों हमारा चैप्टर है आज व्याकरण। कौन सा चैप्टर है? व्याकरण। गुड। सबसे पहले है व्याकरण कहते किसको है वो हम सबसे पहले जानेंगे। व्याकरण तो जिससे हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना तथा बोलना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। बच्चों ध्यान से शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना तीन गो चीज आ जाना चाहिए। क्या क्या? पढ़ना लिखना और बोलना। क्या क्या? पढ़ना बोलना। एक बार फिर से पढ़ना लिखना और बोलना आ जाए उसे हम व्याकरण किसे कहेंगे? एक चीज हम और आपको बता दें, व्याकरण के बाबू के हैं। व्याकरण के बाबू यानी कि पिताजी या जनक या पापा। व्याकरण के पिता बाबू जनक क्या है? बाबू जनक। हाँ अगर अगर आपसे पूछेगा अगर आपसे पूछेगा व्याकरण के बाबू है कौन तो याद रखिएगा व्याकरण के पिता कौन है तो बाबा। ये हुआ व्याकरण के बाबू। ये क्या हुआ? याद रखो व्याकरण के जनक पूछेगा तो क्या जवाब दीजिएगा? कामता प्रसाद गुरुजी। बोला ये है व्याकरण के जनक पूछेगा तैयो बाबू पूछेगा तैयो फादर पूछेगा तैयो पिता पूछेगा तैयो कोई है डैडी पूछेगा तो क्या बोलिएगा? अच्छा अगला क्वेश्चन है हमारा भाषा किसे कहते हैं? क्या है? क्या है हमारा भाषा किसे कहते हैं? आखिर भाषा होता क्या है? लैंग्वेज कहते किसको है? लैंग्वेज। भाषा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। आखिर भाषा कहते किसे है? तो ध्यान दीजिए जिससे हम अपने मन के भावों तथा विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? जिससे सामने प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। अब याद रखिए अगर हमारा मन में चल रहा है क्या चल रहा है कि आज हमको खीर खाना है अब खीर खाना है तो हम क्या करें? हम बोल के प्रकट किए कि हमको आज खीर के खीर खाना है है ना? हम बोले है ना कि हमको खीर खाना तो हम बोल के प्रकट करेंगे तो क्या हो जाएगा? मौखिक भाषा। वह चीज अगर हम लिख के बोल देंगे तो लिखित भाषा। वह चीज हम इशारा करके कहेंगे कि हमको संकेतिक तो ये हो जाएगा संकेतिक भाषा। ओके जी। लिखित भाषा समझ गए जी। मौखिक भाषा समझ गए जी। संकेतिक भाषा समझ गए जी। अब मान लीजिए कोई गूंगा आदमी है जी। कोई गूंगा आदमी है और उस
कैसे बोलेगा? इशारा। तो वो बोलेगा इशारा के भाषा। कौन भाषा बोलेगा? जिसको हम सांकेतिक भाषा या इशारा के भाषा बोलते हैं। कौन सा भाषा? इशारा के भाषा। जैसे मान लो हम हो गए गुंगा, मान लो अब हमको लग गया क्या भूख लगा, अब भूख लगेगा तो हम क्या करेंगे? तो ये हो गया कैसा भाषा? सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा हम बोल के बोले हैं कि हमको क्या है भूख लगा, तो ये कैसा भाषा हो गया? ये चीज को यदि हम लिख के देंगे तो कौन भाषा हो जाएगा? भाषा क्या प्रकार के? क्या प्रकार के? तीन प्रकार के। एक में लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। भाषा के कितने भेद होते हैं? पूरा जवाब दीजिए। भाषा के कितने भेद होते हैं? ऐसे बोलिए। भाषा के कितने भेद होते हैं? पूरा बोलो। भाषा के कितने भेद होते हैं?